हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं रबड़ी, दानेदार रबड़ी, एकदम हलवाई स्टाइल। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने लिया आधा लीटर दूध। आप 1 लीटर से भी बना सकते हो और कोई भी मिल्क ले सकते हो। अब दूध को ऐसे हल्की आंच पे, बहुत धीमी आंच पे चलाना है, बिल्कुल चलाते रहिए, नीचे से लगनी नहीं चाहिए। और जैसे उबाल आए तो इसमें साइड से, जैसे ऊपर मलाई जमती है ना, ऊपर से मलाई आएगी तो उसको साइड में करते जाइए। एकदम बढ़िया वाली रबड़ी, दानेदार वाली रबड़ी चाहिए तो ये स्टेप तो फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रोसेस आपको बार बार करना है। जब भी उबाल आए, जो मलाई आएगी उसको साइड में ऐसे लगाते जाइए। दूध बिल्कुल पकाना है, बिल्कुल आधा रह जाए तब तक। अगर आपको एकदम दानेदार वाली रबड़ी चाहिए तो बिल्कुल नीचे तक पकाइए। देखिए ऐसे करते जाइए। अब बिल्कुल लास्ट में, जब थोड़ा सा बिकुल आधी रह जाए ना, 1/4 ही रह जाए दूध, तो भाई आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको ये सारी जो भी खुरचन है, जो आपने साइड, इसको बोलते हैं खुरचन, ठीक है, ये जो साइड में लगी है खुरचन, इसको आपको धीरे धीरे करके छुड़ाना पड़ेगा कस कस के। और दूध, ये जो रबड़ी आप बना रहे हो बिल्कुल नीचे, इसमें आप मिलाते जाइए, इतनी टेस्टी लगती है, बहुत बढ़िया। बस लेकिन अब इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, वरना ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो ऐसा है कि जब कभी भी मन करे कि रबड़ी खानी है भाई, मीठा खाना है, तो ये बनाई देखो, दानेदार, कितनी बढ़िया, एकदम थिक, एकदम बढ़िया सी रबड़ी तैयार है। इसको आप जलेबी के साथ खाइए, वाह, इतना मज़ा आता है, जलेबी विद रबड़ी, वाह वाह।